दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एटीएम पे दो दो लॉट सी और पी सेम एटीएम पे बाय किए थे। आज उसी वीडियो का मैं आपको लाइव डेमो दूंगा, मींस लाइव मार्केट में उसको लूंगा, सेटअप को लूंगा और आपको फिर दिखाऊंगा कि बेनिफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, उससे पहले ये जो मैं जो भी सेटअप करने जा रहा हूँ ये मैं करूंगा सेंसिबल में। सेंसिबल में वर्चुअल ट्रेड करूंगा मैं, आपको प्रैक्टिस के लिए आपको वर्चुअल ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो सेंसिबल में पहले अकाउंट परचेज मेंबरशिप परचेज करूंगा 1 मंथ की, उसके बाद आपको इसमें सेटअप लगा के बताऊंगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा हूँ इसका सेंसिबल का, तो वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये सेंसिबल का पेज है। ये सेंसिबल कुछ ब्रोकर्स को सपोर्ट करता है जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, आईसी डायरेक्ट, वाई पैसा और IIFL। मीन्स इसमें लॉग इन करके आप वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हैं और एक्चुअल ट्रेड भी कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड, लाइव मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट बनाएंगे। इसमें मेरा एंजल में अकाउंट है, अपस्टॉक में अकाउंट है, तो मैं एंजल में लॉग इन करूंगा और इसकी एक मेंबरशिप लूंगा 1 मंथ की, ताकि हम अपने जो वर्चुअल ट्रेड है वो लगा सके। बिना मेंबरशिप के आपको वर्चुअल ट्रेड लगाने नहीं देगा। तो यहाँ अपना यूजर नेम डालेंगे और जनरेट OTP करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद मैं इसमें आ गया हूँ, उसके होम पेज पे लॉगिन हो चुका हूँ मैं। देखिए सब्सक्रिप्शन प्लान दिखा रहा है ये। अभी इसमें आपको दो प्लान मिलेंगे, एक तो है 800 पर मंथ और एक है 590 पर मंथ। तो 800 पर मंथ वाला जब आप लोगे तो उसमें आपको अराउंड 944 का पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपर टेस्टिंग करना चाहते हैं, लाइव मार्केट में वर्चुअल ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसको लीजिए। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल पूछेगा। अपनी डिटेल एंटर करने के बाद आपका ये पेमेंट मोड पूछेगा। आप जो भी जिस भी चैनल से आपको पेमेंट करना है यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर लीजिए सेंसिबल को, जरूर लीजिए आप। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इसमें। देखिए मैंने आपके सामने इसमें परचेस कर लिया है अपना सब्सक्रिप्शन प्लान 1 मंथ का। अब मैं यहाँ से आपको वर्चुअल ट्रेड लगा बताऊंगा। हम ट्रेड में जाएंगे और वर्चुअल ट्रेड देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है, इसमें जाएंगे, ऐड अब एक स्ट्रेटजी नेम ऐड कर देंगे यहाँ पे, जो भी आपको सेटअप बनाना है। तो मैंने निफ्टी ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि जो मेरा स्पॉट प्राइस चल रहा होगा उस पे ही दो लॉट सी साइड में बाय करूंगा और दो लॉट पी साइड में बाय करूंगा। बेसिकली प्योर बाइंग स्ट्रेटजी लेने वाली है। इस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वो हमें बैक टेस्टिंग की थी, ये हम आज लाइव टेस्टिंग करेंगे, इसकी लाइव मार्केट में टेस्ट करेंगे। देखिए लेते ही 90 रुपीज का लॉस दिखा रहा है। आज डेट है 17 जुलाई। आप सबको मेरी ये एडवाइस रहेगी कि अगर ये ट्रेड आपने इनिशिएट करना है तो पहले आप क्या करेंगे, वर्चुअल ट्रेड करेंगे जैसे मैं सेंसिबल में कर रहा हूँ। इसमें अपना अकाउंट ओपन करेंगे और कम से कम 10 दिन तक इस सेम ट्रेड को डेली आके करेंगे और एक एक्सेल शीट बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है। उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग में जो बिगनर्स हैं वो एक एक लॉट ही लें, ठीक है, और अपना एक रिस्क मैनेजमेंट बना के रखें कि कितना रिस्क आप ले सकते हो डेली बेसिस पे। और ये 10 दिन की कम से कम ट्रेडिंग करने के बाद, वर्चुअल ट्रेड करने के बाद, अगर आपको लगे कॉन्फिडेंस जब होता है तब आप इसमें लें। अगर और भी आपने अगर सेफ ट्रेड करना है तो एक आपको ट्रिक और बता देता हूँ कि ATM पे बाय मत करें। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो 200 पॉइंट दूर हो जाए, मान लीजिए 100 प्रीमियम 500 चल रहा है प्रीमियम वगैरह, ठीक है, हमने पी साइड लेना है तो पी हम क्या लेंगे, 500 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा वो 300। तो हम 200 पीछे आके मीन्स माइनस करके 300 पे हम पी लेंगे और 500 है, 500 में 200 प्लस करेंगे हो जाएगा 700, वहाँ पे हम आके सी लेंगे। इस केस में क्या होगा, आपका जो बेनिफिट है वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा और जो लॉस है वो धीरे धीरे होगा। अगर रिस्क नहीं लेना है तो, जिनको डर लगता है उनके लिए बता रहा हूँ, वरना आप ATM पे सेम ATM प्राइस पे बाय दोनों पी और सी बाय कीजिए, बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, किसी भी एक साइड में ट्रेंड चला गया या गिर रहा है या बहुत बढ़ रहा है, तो समझिए ये जो सेटअप है आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ करता है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है। आज भी साइडवेज था तो उसने थोड़ा थोड़ा नेगेटिव दिखाया हमें, लेकिन एट द एंड जब मार्केट का मूवमेंट हुआ तो उसने हमें अच्छा बेनिफिट दिया।
आगे की वीडियोस में आपको थोड़ा सा लिटिल बिट फास्ट दिखाऊंगा, क्योंकि 9:30 के आसपास मैंने लिया है और ये आफ्टरनून तक चला है ट्रेड। तो देखिए अभी हमें 185 का लॉस दिखा रहा है ये। देखो लॉस बेनिफिट चलता रहेगा, हमने इसमें देखना है, एक अपना एक माइंड सेट रखना है कि आपको मैक्सिमम लॉस कितना लेना है तो आप निकल जाओगे। एक रिस्क मैनेजमेंट बना के रखना है आपको। वैसे ऐसे ट्रेड में मैक्सिमम लॉस होता नहीं है। आज पूरा दिन मार्केट, जो मैंने लास्ट में जब देखा इवनिंग में मैंने, तो मार्केट पूरा मैक्सिमम साइडवेज रहा है। आफ्टरनून में जाके थोड़ा सा मूवमेंट हुआ था, तो साइडवेज मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इस ट्रेड में। अगर आपका मार्केट किसी एक साइड मूव कर दे तो बेस्ट है, पर देखो दिन भर साइडवेज रहा है मार्केट, लेकिन इसने हमें ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा लॉस नहीं दिखाया है इसने, हमें बहुत ही कम लॉस के साथ चलता रहा ये, क्योंकि तो हमने पी भी लिया और सी भी लिया। अगर मार्केट गिरेगा तो पी बढ़ जाएगा, अगर मार्केट बढ़ेगा तो सी साइड बढ़ जाएगा, तो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, हेज करके चल रहे हैं दोनों। देखिए अभी 220 का लॉस दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा लॉस नहीं दिखाया, 300 400 ज़्यादा लॉस दिखाया नहीं दिखाया ये, क्योंकि दोनों साइड का हमने हेज किया हुआ है।